Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video, GTA 5. तो गाइस आपने हमारे अगले एपिसोड में देखा ही होगा कि हम ये माइकल के कहने पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर गए थे और उधर पे जाकर गाइस हमें एक बंदे से उसकी जो ब्रीफ केस थी वो हमें चुरानी थी, तो गाइस वो हमने चोरी कर ली थी। तो गाइस वो ब्रीफ केस को लेकर हम ये अपने लेसनर की फैक्ट्री पर गए थे और उधर पे जाकर ये ब्रीफ केस हमने लेसनर को दे दी थी। और गैस उधर पे अपना माइकल भी आ चुका था। तो उसके बाद गैस माइकल ने अपने शोरूम के लिए कुछ पैसा वगैरह या लेसनर से मांगा था। और गैस लेसनर ने उसको बोला कि वो एक दो दिन में पैसों का बंदोबस्त करवा के वो तुमको दे देगा। तो गैस ये जैसे ही लेसनर ने माइकल को केस वगैरह दे देगा तो हम भी ये अपना शोरूम का जो गाड़ी वगैरह जिधर पे लानी है तो हम लेकर आएंगे। तो फिलहाल तो गैस ये उसके बाद वो अपना ट्रेसी को बचाने के लिए गया था वो माइकल अपना। और उसके बाद गाइस ये उसका कुछ सोलोमैन का जो मिशन वगैरह था वो करने गया था। और सोलोमैन को वो जो मोली थी वो एकदम गाइस बेवकूफ़ बनाकर वो जो सोलोमैन के पास जो पिक्चर की जो सीडी थी वो उधर को उसको लेकर ये लॉस सैंटोस से भागने वाली थी। तो गाइस फिलहाल वो सीडी तो माइकल ने जैसे तैसे उसके पास से तो ले ली। और गाइस वो जो हमारा केस अटका हुआ है वो अभी माइकल बोल रहा है कि वो उसके सेक्रेटरी के पास से हमको दिलवा देगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, फिलहाल तो अभी हम ये अपनी बाइक लेकर गाइस ये डायरेक्ट अभी जाने वाले अपने लेसनर के यहाँ, क्योंकि गाइस उधर पे लेसनर ने फ्रैंकलिन और माइकल को दोनों को उधर पे बुलाया, क्योंकि गाइस उसे एक टेंशन आ गई थी जब माइकल उसके ऑफिस पर गया था। और तब भी गाइस उधर पे FBI के बंदे आ गए थे, यानी कि डेविड और उसका जो सेक्रेटरी है वो उधर पे आया था। और बाद में वो जो उसका सेक्रेटरी है उसने बताया था कि ये जो लेसनर की गारमेंट फैक्ट्री है उधर पे कुछ गड़बड़ वगैरह ऐसा डेटा, और गैस हमने शॉर्टकट लेने के लिए इधर से जंप लगा दी। लेकिन फाइनली हम इधर पे लेसनर की फैक्ट्री पर पहुंचने वाले हैं। तो अगर हम इधर से राइट ले लेंगे तो डायरेक्ट लेसनर की फैक्ट्री आ जाएगी। तो फिलहाल गए जब हम ये कह रहे थे कि लेसनर को इस बात की चिंता है, क्योंकि गैस और डेविड का सेक्रेटरी ने बोला था कि ये जो लेसनर का पूरा पूरा ब्लैक का जो डेटा है वो FBI की जो डेटा हिस्ट्री है उसमें ऐड हो चुका है। तो गैस लेसनर अभी बहुत टेंशन में है। तो शायद से उसने हमें जैसे भी बिल्डिंग पर जाकर हमें जो ये पूरा का पूरा डेटा हमें क्लियर करना है इसीलिए गए जी लेसनर ने हमको इधर पे बुलाया है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर लेंगे। फिलहाल तो अभी अपना माइकल भी इधर पे आ ही चुका है। तो ये दोनों ने गए अपना प्लान वगैरह कुछ बना लिया है। तो ये बाद में माइकल अपना जो प्लान है वो हमें एक्सप्लोर करवा देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लेसनर ने अपनी पूरी पूरी फैक्ट्री अपनी अभी तो ये जितना भी सामान था वो खाली करवा दिया है, और वो भी अपना सामान लेकर कहीं दूर जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, जब भी फिलहाल तो ये लेसनर ने हमको बोला है तो वो हम डेटा क्लियर करने के लिए जाते हैं ताकि हमें भी फ़ायदा हो जाए। और गाइस जब भी माइकल बोल रहा था कि ये लेसनर ने जो फैक्ट्री अपनी खाली करवाई है वो खाली करवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गाइस ये माइकल बोलने के बावजूद भी लेसनर नहीं माना और लेसनर को बहुत टेंशन हो गया था। तो उसने अपना फैक्ट्री में जितना भी सामान था वो एकदम पूरी तरह से खाली करवा दिया। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी ये लेसनर ने एक तगड़ा वाला प्लान तो बनाया है और अभी हमारे साथ माइकल चलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम ये इसकी कार लेकर नहीं, हम अपनी बाइक में ये इसको माइकल को पीछे बैठा कर जाते हैं तो उसको भी मजा आ जाएगा ये बाइक पर सवारी करने का। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जाते हैं गाइस हम उस जगह पर जिस जगह पर हमें जो FBI बिल्डिंग तक हमें जाना है। अगर ड्राइवर साथ में होता तो हम उसका हेलीकॉप्टर लेकर हम डायरेक्ट FBI के बिल्डिंग पर जाते, लेकिन गाइस अभी ड्राइवर हमारे साथ नहीं है। तो अभी हमें गाइस उसके लिए हमें हेलीकॉप्टर लेने जाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमने ये जो डेविड से हेल्प मांगी ली थी तो उसके लिए हमें उसने बोला है कि एक जगह पर जाना है और उधर से हमें हेलीकॉप्टर लेकर डायरेक्ट FBI की बिल्डिंग पर चले जाना है। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए ये शॉर्टकट लेने में, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिलहाल अपना पहला जो रास्ता ढूंढते हैं और बाद में हम इधर से शॉर्टकट निकल लेते हैं। तो शायद ओके गाइस, तो इधर से हम निकल जाएंगे बाहर, तो इधर से ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम उस जगह से तो बाहर निकल चुके हैं। और अभी गाइस ये डेविड ने हमको जो लोकेशन दी थी उस जगह पर तो हम अभी पहुंचने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उधर पे चलते हैं और इधर पे हमारी गाड़ी इधर से निकालनी पड़ेगी। तो बस फाइनली हमने अपनी यानी कि जो गाड़ी है उसको भी हमने निकाल लिया। और अभी तो गाइस हमने ये डायरेक्ट अपना हाईवे पकड़ लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बिना कोई देरी के गाइस निकलते हैं डेविड ने जो लोकेशन दी है उस लोकेशन पर, और उधर पे जाकर गाइस ये एक पायलट का भी बंदोबस्त ये डेविड ने कर दिया है। तो वो अपना हेलीकॉप्टर चलाएगा और बाद में गाइस हम अपना ये जो उधर पे जंप लगा कर हमें FBI बिल्डिंग पर जाना है तो हम उधर पे चले जाएंगे।
तो गाइस अभी माइकल को भी हमारे पीछे बैठने में गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि गाइस हम भी एकदम तगड़े वाले गाइस ये बाइक चला रहे हैं। और गाइस ये माइकल भी अपना थोड़ा बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि वो इस बात से घबराया हुआ है क्योंकि हम कहीं पे भी अपनी गाड़ी ठुक ना दे और उससे चोट आ जाएगी, तो इसके बाद के लिए वो घबराया हुआ है। और तो गाइस फाइनली हमने एक जंप लगाई शॉर्टकट लेने के लिए, तो गाइस हम उधर से निकल तो चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इधर से लेफ्ट लेंगे तो गाइस हम डायरेक्ट हमें अंदर ही जाना है। और इधर भी गाइस ये आर्मी बेस है, तो हमें इधर से ही गाइस ये अपना जो ये डेविड ने हमें लोकेशन बताई है, इस लोकेशन पर हम पहुंच गए। तो हम आगे जाते हैं और अपनी बाइक को कहीं पे पार्क कर देंगे। और बाद में वो माइकल ने उसको डेविड को बोला था कि एक पायलट को इधर पर रख देना, तो उसने पायलट इधर पर रख दिया होगा। तो ये गेट भी नहीं खुल रहा है, तो हमें तो इधर पे तो गेट नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि हमारा प्लान एकदम फेल हो सकता है। तो अभी कैसे हम अपनी गाड़ी को किधर रखें, तो हम अपनी गाड़ी को कैसे इस वाले गेट से ही अंदर जाने देते हैं। चल भाई खोल दे। तो कैसे इधर पे ही वो पायलट खड़े हो गए, किधर है किधर है। तो क्या कैसे इधर पे वो बंदा खड़ा है, तो अभी हम हमारी गाड़ी को इधर रख के हम चले जाते हैं अंदर। और बाद में जैसे ही शाम होगी कैसे हम डायरेक्ट अपनी FAB बिल्डिंग पर एंट्री कर देंगे। और कैसे उधर पे अपना हेलीकॉप्टर भी उधर पे रख ही दिया है। तो अभी तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम अपना हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और अपना पायलट भी एकदम रेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी हम जाते हैं। और हमारे साथ गाइस डेविड ने एक और बंदा भेजा है FAB का, तो कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। तो अभी ये हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट अपने जो FAB की बिल्डिंग है उधर पे हम चले जाते हैं। और बाद में उधर पे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा के गाइस हम वो जो उसकी छत है उधर से हम एंट्री करेंगे, और पूरा का पूरा जो डेटा है उसको हम कॉपी करके उसको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। अगर गाइस हमने ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो क्लियर कर दिया, तो हम जो लिसनर से अपने केस की मांग कर रहे थे, यानी कि मदद मांगने गए थे, तो गाइस शायद से वो लिसनर अपना पूरा का पूरा केस हमें दे सकता है। तो इसीलिए गाइस हमें ये पूरा का पूरा प्लान एकदम पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने शोरूम के लिए नई गाड़ियाँ ला सकें। और गाइस जैसे ही हम अपनी गाड़ियाँ लाएंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ने ही वाला है, तो हम इसके लिए तो गाइस ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो एकदम सक्सेसफुली करने वाले हैं। और गाइस ये जो डेटा है वो हम निकालेंगे, तो गाइस उसमें हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि ये जो डेटा है उसमें हमारा भी नाम जुड़ा ही हुआ है। तो अभी गाइस ये हेलीकॉप्टर हम ये पायलट को चलाने देते हैं, और हम अपना पैराशूट वगैरह पहन लेते हैं और इधर से जंप लगा देते हैं। तो गाइस अभी तो हम तैयार हो चुके हैं, और ये साले कूदना यार तू, अरे यार कूद नहीं रहा है ये बंदा, यार घबरा रहा है यार इससे इधर से कूदने के लिए। यार निकल साले, जिसको लात मार कर मेरे को नीचे कूदवाना पड़ा है, क्योंकि गाइस वो बहुत घबरा रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो अभी तो अपना FAB बिल्डिंग पर पहुंच ही जाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी हमने भी जंप लगा दिया और डायरेक्ट अपने FAB बिल्डिंग पर हम पूरी तरह से यार लैंडिंग कर ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना फ्रैंकलिन भी उधर पे पहुंच ही जाएगा। तो गाइस जैसे ही हम तीनों उधर पे पहुंचेंगे, तो उसी तरह गाइस हम अपना जो लेसन है प्लान बताया हुआ है उसी प्लान के मुताबिक गाइस हम इधर पे जो पूरा का पूरा डेटा है उसको कॉपी करके क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल तो अभी हमारी FAB बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो हमें इधर पे ही दिखाई दे रही है, तो हम उधर पे ही अपना सेफली लैंड करवा लेते हैं और बाद में उस छत पर हम चले जाएंगे। तो अभी तो कई समय है, ये लगता है कि शायद से हम सेफली लैंड तो कर ही लेंगे इधर पे। लेकिन गाइस ये अपना किधर गया गाइस, शायद से अभी हमें लैंड करने में गाइस बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा हम ये मिस हो गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इधर पे नीचे ही लैंड हो जाते। ओ तरी गाइस फाइनली थोड़ी चोट आई, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, हम सेफली इधर पे लैंड तो हो चुके हैं। अगर गाइस नीचे लैंड होते तो हमारा पूरा पूरा मत्था ही टूटने वाला था। और गाइस इधर पे सीढ़ी लगी हुई, तो हम इधर से डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं। और शायद से गाइस वो दोनों तो इधर ऊपर ही सेफ लैंड हो चुके, तो वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ओके गाइस हमारे मुताबिक ही वो दोनों इधर पे ही लैंड हो चुके हैं, तो हम इधर पे चलते हैं। और लेसनर ने जैसा प्लान बताया उस तरह हम ये शीशा वगैरह निकल कर गाइस इधर से ही डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। और इधर पे ही गाइस ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो इसी रूम में है, तो हमें इधर से ही एंट्री करनी पड़ेगी। और गाइस चुपचाप हम वो पूरा का पूरा डेटा क्लियर करके इधर से हम सेफली निकल जाएंगे। तो गाइस हमने जम तो लगा दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो गाइस हमें ये इधर पे शायद से वो जो आगे वाला रूम है
कोई कई समय खोलना है और उधर से ही कई समय पूरा का पूरा डेटा क्लियर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। फिलहाल तो वो दोनों भी आ ही चुके, तो गाइस उन दोनों को हमने उधर पे ध्यान रखने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं। अरे यार गाइस ये डोर तो गाइस बंद है, लेकिन अरे यार क्या करें गाइस, हम ये इसमें स्टिक बम लगा कर ये डोर को फोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। 1 2 3 एकदम पूरे से ब्लास्ट होता है, बूम। तो गाइस ये फाइनली हमने ये डोर को तो तोड़ दिया, और गाइस ये इधर पे अलार्म बजना शुरू हो गए। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, वो अपना दोनों बंदे अपना ध्यान ही रख रहे, तो हम फिलहाल ये कंप्यूटर को गाइस हैक करना पड़ेगा वो, क्योंकि FIB का सीक्रेट कंप्यूटर है। और क्या जिसको हमें हैक करना पड़ेगा, तो किस तरह से, हम पहले तो ये लेसनर को भी कॉल कर देते हैं और वो जैसा बताएगा वैसे ही रहेगा, ऐसा हम इसको हैक करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमें इसमें ओके इधर पे एंटर पिन पे जाकर यार गाइस हमें इसके लॉक को गाइस हमें हैक करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम आसानी से हैक कर लेंगे। तो ये पहला कोड तो गाइस हमने हैक कर लिया, और अभी गाइस ये वाला जो कोड है इसको हमें हैक करना पड़ेगा। तो इसमें W और बाद में क्या है, O R M, यस आई 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 किधर है, ओके गाइस आई भी हो गया। तो अभी जी और एन। तो गाइस फाइनली ये पूरा का पूरा कंप्यूटर हमने हैक कर दिया, और इसका जो लॉक था वो हमने एकदम तोड़ दिया है। तो गाइस अभी हमारा सारा डेटा कॉपी हो रहा है, और बाद में ये अपने आप क्लियर भी हो जाएगा। तो फिलहाल तो गाइस अभी इधर पे बंदे भी आ चुके, तो अभी हमें इधर से पूरा तरह से हमें इधर पे रह कर ही हमें उस बंदों को निपटाना होगा। और जब तक यार ये डेटा कॉपी करके वो क्लियर नहीं होता, तब तक हमें इधर पे ही खड़े रहकर उन सभी बंदों को निपटाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, तब तक तो हम अपना इधर पे रह ही लेंगे। तो वो दोनों भी गाइस अपना बढ़िया तरीके से फाइट ले रहे हैं, उसके साथ वो तरी ऐसे एक बंदा उधर पे डायरेक्ट शीशा तोड़ कर गया, इसे नीचे घुस गया। लेकिन अभी भी यार डेटा कॉपी नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो अभी हमें सारे बंदों को निपटाना पड़ेगा। और गाइस ये इधर पे मिलिट्री के बंदे, कैसे इधर पे मिलिट्री के सोल्जर, और नहीं यार कैसे इधर पे सोल्जर गए थे अपना छत पर से आ गए यार, तीन गाइस किधर से आए मेरे को भी मालूम नहीं है। तो कोई ना गाइस अभी हमें सभी बंदों को निपटाना पड़ेगा, और ये अपना जो जिस तरह से हम नीचे आए थे और उसी तरह से गाइस हम अपने छत पर जाएंगे, और अपना बंदा भी उधर पे वेट कर रहा होगा, तो हम उधर से सेफली हेलीकॉप्टर लेकर हम निकल जाएंगे। तो फिर तो गाइस अभी हमें ये डेटा पूरा पूरा कॉपी करना का ही इंतजार है, तो तब तक होने देते हैं। और ये सभी बंदों को पहले निकाल अपना निपटा देते हैं, और ताकि हम भी आसानी से इधर से बाहर निकल सके। तो गाइस अभी ये फ्रैंकलिन बोल रहा है कि ऊपर एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ चुका है, और गाइस ये क्या उसने बंदूका छोड़ दी, ओ तरी गाइस ये क्या हुआ गाइस, ये उसने हमारे जो हेलीकॉप्टर था उसमें पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया, और अपना हेलीकॉप्टर गाइस ये FIB की बिल्डिंग पर टकराया और एकदम पूरी तरह से ये ब्लास्ट हो गया। तो गाइस अभी हम अपने हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, तो गाइस इधर से गाइस ये नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, और गाइस इधर से हमें सेफली निकलना पड़ेगा। और गाइस अभी हमें इधर से निकलने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम अपना जो लेसन प्लान बने था उस तरह से नहीं, हम अपनी तरह से गाइस इधर से बाहर निकलेंगे। फिलहाल तो गाइस अभी हम ये पूरा का पूरा डेटा कंप्लीट होने देते हैं, जैसे ही गाइस ये कंप्लीट होगा तो हम इधर से सेफली निकल लेंगे अपना रास्ता ढूंढ कर। तो फिलहाल तो अभी गाइस थोड़ा बहुत डेटा बाकी है, ओके गाइस ये फाइनली गाइस ये अभी तो डेटा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तो कोई बंदा तो इधर पे ये नहीं, तो अभी हम ये पूरा पूरा डेटा हम क्लियर करके गाइस हमने अपने फ़ोन में ये पूरा पूरा डेटा हमने कॉपी कर लिया। तो अभी गाइस हम इधर से निकलते, चलो भाई चलो इधर से जल्दी निकलो, और अभी तो हमारा जो पहला प्लान था वो एकदम फ्लॉप हो गया है, तो अभी प्लान बी करते। तो अभी हम ये इधर से चलते हैं, ओके गाइस ये अरे यार आहिस्ता ना आहिस्ता चलना यार, ओ तरी ये उसने तो ये एक बंदे को मार ही दिया इधर से आते ही। तो ये ले साल हमारा इंतजार करके इधर पे खड़े थे हैं, ऐसे इधर पे भी हो गए बंदे, दरवाजा खोलते ही ये ले साल, ओ तरी ओ गाइस फाइनली उसने मार दिया, वरना गाइस वो भी हमें मारता। और गाइस ये मिलिट्री के बंदे इधर पे, ये दरवाजा क्यों नहीं खोलता यार,
उतरे गाइस। उसने तो एक इस सारे में भाई ये उसका गेट खोल दिया, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल हम उस तरफ चलते हैं और दोनों तो गाइस आगे जा रहे हैं। और गाइस ये गाइस हमारा प्लेन जिधर पे क्रैश हुआ था गाइस वो उस माले पे आ गए, और गाइस जिधर भी गाइस हमारा प्लेन एकदम बुरी तरह से गाइस इधर पे क्रैश हुआ, और इस जगह पे तो गाइस पूरी तरह से इधर पे आग फैल चुकी है, और इधर पे गाइस बंदे भी इधर पे अभी भी मिलिट्री के लगे रखे। तो गाइस फिलहाल तो अभी हमें उसे निपटाना पड़ेगा, और गाइस अभी तो हमारा पायलट भी नहीं रहा होगा हमें मालूम है, पूरा का पूरा विश्वास है, तो उसके लिए गाइस हमें इधर पे नहीं रुकना चाहिए। और गाइस आप देख ही सकते हो इधर पे वो तेरी गाइस ये एकदम पूरी तरह से गाइस हमारा हेलीकॉप्टर चल के राख हो चुका है, वो तेरी गाइस ये हमारा हेलीकॉप्टर एकदम नीचे चला गया। अरे यार गाइस अभी हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल तो गाइस अभी हम अपने जो चेन वगैरह है वो इधर पे लटका देते हैं, और इधर से ही गाइस हम अपना नीचे चले जाने वाले हैं। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम एक और माला इधर से नीचे जाते हैं ताकि हमें भी इधर से कूदने में बड़ी आसानी हो जाए। इधर पे और बंदे तो इधर तक ऐसे में बहुत ही सीरियसली इधर से निकलना पड़ेगा। ओ तेरी यल अरे तू बेटा इधर पे है यल सालो भाई, ऐसे में एक तो अंधेरा है इधर से और इधर पे पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट है इसमें आग लगी पड़ी है, तो ऐसे में बड़ी सेफली इधर से हमें इस बंदे से फाइट लेनी पड़ेगी। वो अरे यल साल इधर से हमें मारने के लिए इधर पे छुपे हुए वो हैं, वैसे तो हम तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। इधर पे भी एक मरा पड़ा है, किसने मारा इसको हमें भी नहीं मालूम। तो ओ तेरे यल 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 साल हमें पीछे से मार रहा है साल, सामने से मारो ना, पीछे से क्यों मार रहा है। और वो दोनों भी गाइस हमारे से थोड़ा बहुत दूर थे, तो इसलिए उन दोनों ने भी इसको नहीं मारा, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं हमने उसको मार दिया, और इस बंदे को भी हमने निपटा दिया है। तो फिलहाल तो गाइस अभी हमें ये वाला रास्ता वो साल एक और बंदा है वो तेरे गाइस ये कितने यार एरिया में, ये तो हमारे हेलीकॉप्टर की आग इधर पे लगी पड़ी है। तो गाइस हमें इधर से फिलहाल आराम से इधर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कहीं ये आग लग गई तो गाइस हमारा भाई इधर पे बुरी तरह से मुंह चलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो गाइस वो दोनों अभी आगे चले गए और हम भी उसके साथ चलते हैं, और इधर पे शायद से बंदे की आवाज़ आ रही है, आगे चलते हैं। ओ तेरी अयालो सालो यालो हैं इधर पे छुप कर बैठे थे। तो गाइस जब हम इधर पे आ चुके तो अभी हम सब लोग इधर से जंप करने वाले, यानी कि जो हमने रोप की चेन लगाई है उससे हम इधर से नीचे उतरने वाले। तो फिलहाल हम अपना सेटअप कर लेते हैं, तो फ्रैंकलिन ने गाइस हमारा भी सेटअप कर लिया है, तो अभी हम सब लोग इधर से नीचे जाते हैं और अपना देखते हैं कि इधर पे हम सेफली उधर पे पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर गाइस हमें इधर पे और कोई भी गड़बड़ हो गई तो गाइस हम पूरी तरह से इधर से हमारा मुंह ही तोड़ने वाला है, तो हमें बड़ी आसानी से और संभाल कर इधर से नीचे जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमें थोड़ा बहुत अपना संभाल कर इधर से जाना पड़ेगा। और गाइस इधर पे गाइस एकदम पुलिस वालों की तो गाड़ी इधर पे लगी रखी है, और गाइस हम उधर पे सेफली नीचे थे उतर चुके थे, और गाइस इधर पे पुलिस की गाड़ियाँ भी इतनी सारी आ गई। ओ तेरी ये साल इधर पे फायर ब्रिगेड पुलिस की गाड़ी, अरे फिर से खड़ा हो रहा है ये ले पुलिस की गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड सब कुछ इधर पे आ गया है, और गाइस हमने पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों अपना इधर पे आएंगे तो गाइस उसी टाइम इधर से सेफली निकल लेंगे, और अपना एक वैन लेकर एक बंदा उधर पे खड़ा ही है, तो उसकी वैन लेकर गाइस हम उधर पे चले जाएंगे, यानी कि हम इधर से सेफली निकलना तो पड़ेगा। और गाइस हमें अभी तो यह पुलिस का पीछा छुड़ाने में भी गाइस हमें बहुत ही देर लगने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसका पीछा तो आराम से छुड़ा लेंगे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हमें मौका देखकर उस वैन में चले जाना है, और उस वैन को लेकर गाइस हमें सेफली निकल जाना है। फिलहाल तो गाइस अभी इधर पे पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई है, पहले तो इन्हें निकालना पड़ेगा। ये लो साल यार वो साला पीछे छुपा हुआ है यार, ये वो तो मर ही नहीं रहा है यार, यार साल है उधर पे छुप कर हमको मार रहा था, सामने है तो कैसा चला गया। तो गाइस अभी बहुत सारी पुलिस तो इधर से हट चुके, तो हमें फिलहाल वो कर यार यार साल हमें गाइस ये वैन में चलते और एकदम पूरी तरह से इधर से निकल लेते। और गाइस ये वो बंदा किधर गया यार, कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी तो फिलहाल वो दोनों अपना पीछे ही बैठ चुके हैं, तो अभी हम ये वैन लेकर गाइस
एकदम पूरी तरह से इधर से एकदम हमें रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिधर भी पुलिस हमारे पीछे ना आ सके, तो कोई दिक्कत नहीं, हम गाइस ने अपनी वैन लेकर आसानी से इधर से निकल जाएंगे। और गाइस ये पुलिस अभी भी हमारा पीछा कर रही है, और गाइस वो दोनों भी अपना ये वैन का डोर ओपन करके धड़ाधड़ उस पर गोलियां बजा ही रहे हैं। तो फिलहाल वो भी एक सही बात है, तो फिलहाल हम तो अपनी ये जो वैन है उसको एकदम पूरी तरह से भगाते हैं, और गाइस कहीं जो भी ये अपनी वैन ना ठुके उस तरह से गाइस हमें चलाना पड़ेगा। अगर गाइस हमारी वैन कहीं भी ठुक गई हुए तो गाइस हम एकदम पूरी तरह से इधर से फंसने वाले हैं। और तरीके गाइस फाइनली हम ओ तरीके, अरे यार ये तो ना यार ये बीच में ही गाड़ियाँ घुस रहे हैं, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, इधर से निकल जाएंगे। तो गाइस इधर से सामने गाइस वाइनवुड हिल्स की तरफ एक रास्ता जाता है, तो उसी जगह पर चले जाते हैं। और गाइस उसी जगह पर तो ये फ्रैंकलिन का घर है, तो गाइस हम उसी जगह पर चले जाएंगे। और लेस्टर को भी गाइस हमने उसी जगह पर आने के लिए बोल दिया था पहले ही, तो अभी गाइस हम उसी जगह पर जाते हैं। तब तक तो शायद से पुलिस हमारे पीछे से हट ही जाएंगी, तो अभी गाइस हम भी ये अपना बढ़िया तरीके से अपनी वैन भगाते हैं, और ताकि वो भी हमारा पीछा एकदम पूरी तरह से हमारी जो लोकेशन है वो ट्रेस ना कर सके। तो अभी तो गाइस हमने काफ़ी टाइम के बाद ये पुलिस से पीछा छुड़वा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी हम इधर से लेफ्ट ले लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट अपने फ्रेंडली के घर पर जा सके। और लेसनर अपना उधर ही होगा, तो हम उधर पे जाकर ये लेसनर को अपनी जो पूरी पूरी खुशखबरी है वो उसको दे देते हैं, ताकि वो भी अपना टेंशन फ्री हो जाए और एकदम पूरी तरह से अपना झूमने लगे। तो अभी कैसे हम ये फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने वाले हैं, और लेसनर ने भी शायद से हमारा जो शोरूम है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया होगा, तो हम उससे भी कैसे एकदम ये अपने शोरूम के लिए पैसा मांग सकते हैं अभी, तो क्योंकि हमने भी कैसे उसका पूरा का पूरा टेंशन है वो हल कर दिया। तो वो कैसे एकदम पूरी तरह से यार ये लेसनर हमारी आवाज़ सुनकर चौंक गया, लेकिन कैसे हम उसको बता देते कि हमने उसका पूरा का पूरा जो प्लान था वो एकदम सक्सेसफुली कर लिया। तो कैसे ये लेसनर एकदम बहुत बढ़िया तरीके से खुश हो चुका है, और अभी कैसे वो एकदम टेंशन फ्री हो चुका है। लेसनर अपना फैमिली को ड्रिंक बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लेसनर को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेसनर भी हमको अपने शोरूम के लिए गाइस हमें केस दे देगा, तो हम अगले एपिसोड में अपने शोरूम के लिए गाड़ी लेकर आएंगे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हमारी ये वाली वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।